नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कल मतदान। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर बने हिंदी धारावाहिक स्वराज का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास पर गर्व करने का आह्वान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में आधे प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 5.4% किया। रेपो दर अगस्त 2019 के बाद कोविड महामारी के पहले के उच्चतम स्तर पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा, पिछले 8 वर्षों में रेलवे ने 3,50,000 से अधिक लोगों की भर्ती की। जम्मू कश्मीर में सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने टोक्यो में अमरीकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी से मुलाकात की। श्री किशिदा ने कहा, उनकी सरकार ने चीन से ताइवान के खिलाफ सैन्य अभ्यास को तुरंत रोकने का आग्रह किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चेतावनी दी है कि देश मंदी की चपेट में आ जाएगा, क्योंकि उसने 27 वर्षों में ब्याज दरों में सबसे अधिक वृद्धि की है। भुवनेश्वर में सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत आज शाम बांग्लादेश से खेलेगा और राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय पहलवान अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। सभी की निगाहें हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबलों पर। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं जागृति शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि संसद के सत्र के दौरान अथवा अन्य दिनों में आपराधिक मामलों में प्रवर्तन एजेंसियों के समन को सांसद टाल नहीं सकते। पहले स्थगन के बाद सदन की बैठक जैसे ही शुरू हुई तो श्री नायडू ने स्पष्ट किया कि यह कहना गलत है कि संसद सत्र के दौरान सांसदों को गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ की प्रक्रिया से छूट है। सभापति की यह टिप्पणी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कल के उस आरोप के बाद आई है जिसमें श्री खड़गे ने कहा था कि सत्र के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। सभापति ने उच्चतम न्यायालय और राज्यसभा के विभिन्न निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि आपराधिक मामलों में पूछताछ के संदर्भ में सांसद और आम आदमी एक समान है। सांसद होने के नाते इस बहाना नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने के नागरिकों के कर्तव्यों की तरह सांसदों को भी इसका पालन करना चाहिए। लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे तक फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठा रहे थे। सदन की कार्यवाही आज जैसे ही शुरू हुई कांग्रेस और डीएमके पार्टी के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन की अपील की। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही अब जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों को भयभीत करने के उद्देश्य से महंगाई के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है। नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी का बहाना बना रही है। बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए, ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बदनी दिया जाता है, ये देश को बताना जरूरी है। तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। उधर नई दिल्ली में आज सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में बेरोजगारी अधिक है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि रोजगार सृजन की प्रणाली ठप हो गई है, छोटे और मध्यम कारोबारी बाजार से गायब हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में आज पार्टी सांसदों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
राहुल गांधी सहित कांग्रेस सांसदों ने महंगाई और जीएसटी के खिलाफ नारे लगाते हुए राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। नए उपराष्ट्रपति के लिए कल चुनाव होगा। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। श्री जगदीप धनखड़ एनडीए उम्मीदवार और सुश्री मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। संसद में कुल सदस्यों की संख्या 788 है, जिसमें से 543 लोकसभा के जबकि 233 राज्यसभा के सदस्य हैं। 12 सदस्य मनोनीत हैं। मतगणना कल मतदान के बाद संसद भवन में ही की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के मेगा ऐतिहासिक हिंदी धारावाहिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर बने स्वराज का शुभारंभ किया। 75 कड़ियों की ये श्रृंखला भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास के अनछुए पहलुओं को सामने लाएगी। स्वराज धारावाही का लगभग 75 एपिसोड इसी विषय को लेकर बनाने का उपक्रम अनुराग के नेतृत्व में दूरदर्शन ने हाथ में लिया है। ये बहुत साहसिक कदम है। जो लोग टीम के साथ जुड़े हैं यहाँ बैठे, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि बहुत साहसिक कदम है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वराज श्रृंखला का प्रयास भारतीयों को अपनी संस्कृति, मूल्यों और प्राचीन ग्रंथों पर गौरवान्वित कराना है। उन्होंने युवाओं से देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास पर गर्व करने का आग्रह किया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस श्रृंखला के माध्यम से युवा स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की अनछुए पहलू युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे हर भारतीय को अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व होगा। आज मेरा दिल इसलिए भी आनंद से भर उठा है क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत और आजादी की गौरव गाथाओं से सजा हुआ एक ऐसा धारावाहिक हम आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं। नाम भी स्वराज है और स्वराज की कीमत हम भारतवासियों से बढ़कर कौन जानता है। श्री ठाकुर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान नए भारत का उदय देखा जा रहा है और संपूर्ण विश्व भारतीय ध्वज की ताकत को स्वीकार कर रहा है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन, सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा, हम सत्यम शिवम सुंदरम की मूल भावना को आत्मसात करते हैं। एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते मैं अंत में कहना चाहूंगा, आनो भद्र कर्तवो यंतु विश्वता। महान विचार हमारे पास हर दिशा से आए, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, इस पर हम विश्वास करते हैं। इस धारावाहिक का प्रसारण 14 अगस्त से रात 9 बजे से 10 बजे तक अंग्रेजी के साथ साथ 9 भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। इस श्रृंखला का प्रसारण आकाशवाणी पर भी किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ। बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर में आधे प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। रेपो दर अब अगस्त 2019 के बाद कोविड महामारी के पहले के उच्चतम स्तर 5.4% पर आ गई है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी दैट इज एमपीसी मेट ऑन 3rd to 5th August and reviewed the macroeconomic situation and its outlook. The MPC decided unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.4% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.15% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand revised to 5.65%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. इससे पहले रिजर्व बैंक ने रेपो दर में पिछले 4 महीनों में 0.9% की वृद्धि की थी। रेपो दर वो दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। रेलवे ने पिछले 8 वर्षों के दौरान 3,50,000 से अधिक भर्तियां की हैं। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनका मंत्रालय करीब 1,40,000 रोजगार अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशभर में लॉकडाउन अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में लगभग 1,92,00,000 मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई। लोकसभा में लिखित उत्तर में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला अदालतों में लगभग 1,29,00,000 तथा उच्च न्यायालयों में 63,00,000 से अधिक मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। उनके साथ सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन तथा युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 सितम्बर है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। पुलिस के अनुसार अंतिम समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी थी और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 3,00,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर एक नई सुबह श्रृंखला की नई कड़ी, नया दौर, नई उमंग, नई उम्मीद प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 बजे से प्रसारित किया जाएगा। यह हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नज़ारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। एफएम गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रविवार 7 अगस्त को अंतरिक्ष में तिरंगा फहराएगा। तिरंगा फहराने के लिए इसरो अपने सबसे छोटे व्यावसायिक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:18 पर छोड़ा जाएगा।
15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के 75वें स्वाधीनता दिवस में अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया जाएगा। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 205 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.5% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 21,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कल मतदान। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर बने हिंदी धारावाहिक स्वराज का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास पर गर्व करने का आह्वान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.5% की वृद्धि कर इसे 5.4% किया। रेपो दर अब अगस्त 2019 के बाद कोविड महामारी से पहले के उच्चतम स्तर पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा, पिछले 8 वर्षों में रेलवे ने 3,50,000 से अधिक लोगों की भर्ती की। जम्मू कश्मीर में सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने तोक्यो में अमरीकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी से मुलाकात की। श्री किशिदा ने कहा, उनकी सरकार ने चीन से ताइवान के खिलाफ सैन्य अभ्यास को तुरंत रोकने का आग्रह किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चेतावनी दी है कि देश मंदी की चपेट में आ जाएगा, क्योंकि इसने 27 वर्षों में ब्याज दरों में सबसे अधिक वृद्धि की है। भुवनेश्वर में सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत आज शाम बांग्लादेश से खेलेगा और राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय पहलवान अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। सभी की निगाहें हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबलों पर। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने चीन के युद्धाभ्यास और मिसाइलें दागे जाने की कड़ी निंदा की है और चीन से ताइवान के खिलाफ युद्धाभ्यास को तुरंत रोकने को कहा है। श्री किशिदा ने जापान की यात्रा पर आई अमरीकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के साथ मुलाकात के दौरान ये बात कही। ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने चेतावनी दी है कि देश आर्थिक मंदी के दौर में जा सकता है। ब्रिटेन में 27 वर्षों में ब्याज दर बढ़कर सर्वाधिक 2.25% हो गई है। ये बढ़ोतरी महंगाई को थामने के लिए की गई है। इसका मुख्य कारण रूस यूक्रेन का युद्ध माना जा रहा है, जिससे ऊर्जा मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार से हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बोरदोलोई का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 5 अगस्त 1950 को हुई। बोरदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को असम के राहा में हुआ था। वे पेशे से वकील थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1922 में जेल गए। बोरदोलोई 1936 में असम विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। 2 वर्ष पश्चात 1938 में वे असम के प्रधानमंत्री बने, लेकिन
द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद 1939 में उन्होंने और उनके मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। असम के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देने के बाद बोर्दोलोई को दो बार जेल की सजा हुई। 1944 में रिहा होने के बाद वे 1946 में एक बार फिर असम के प्रधानमंत्री चुने गए। बोर्दोलोई ने असम से संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। बोर्दोलोई स्वतंत्र भारत में असम के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने प्रगतिशील औद्योगिक और शैक्षिक नीतियां लागू की और गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की। बोर्दोलोई को लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया गया। महान राष्ट्रवादी गोपीनाथ बोर्दोलोई का मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 5 अगस्त 1950 को निधन हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान के लिए बोर्दोलोई को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2002 में संसद में बोर्दोलोई की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय गोपीनाथ बोर्दोलोई को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम नीलकंठ दास को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 5 अगस्त 1884 को ओडिशा के पुरी जिले के श्री रामचंद्रपुर गांव में हुआ था। उत्कल मणि गोपबंधु दास, आचार्य हरिहर दास, पंडित गोदा बरिशा मिश्रा और पंडित कृपा सिंधु मिश्रा के साथ नीलकंठ दास सत्यवादी युग की पंच शाखा में शामिल हैं, जिन्होंने ओडिशा में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में पुनर्जागरण लाने और इसकी समृद्धि सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था। की कोराड़ो आजी रोजानी बोहे झुंझा पवन पराना दिसोई गगने सुभे घन गर्जन। नीलकंठ ने ब्रिटिश सरकार की आकर्षक नौकरी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और सत्यवादी हाई स्कूल के हेडमास्टर के रूप में सेवा करना पसंद किया। बाद में उन्होंने उड़िया और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्हें उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में भी चुना गया। उन्होंने संभलपुर से सेवा नामक समाचार पत्र का संपादन किया। 1922 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के लिए हजारीबाग जेल में कैद कर दिया गया। मौने पोड़ो नहीं बाबू हे लागी जाई थी निदा। उन्नीस सौ 23 में नीलकंठ दास सेंट्रल असेंबली के सदस्य के रूप में चुने गए। उन्होंने 1926 में शिमला सम्मेलन में भाग लिया। 1928 में पंडित गोपबंधु की मृत्यु के बाद उन्होंने ओडिशा में कांग्रेस का नेतृत्व भी संभाला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें फिर 6 महीने के लिए कारावास हुआ। उन्होंने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आंदोलन शुरू किया और नव भारत नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। नीलकंठ दास ने गीता पर भाष्य भी लिखा। उनके महाकाव्यों में ओडिया भाषा की उत्कृष्ट कृतियों को शामिल किया जाता है। उत्कल विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका अहम योगदान था। स्वतंत्रता के बाद नीलकंठ 1951 और 1957 में ओडिशा विधानसभा के सदस्य चुने गए। नीलकंठ दास ने 6 नवंबर 1967 को अंतिम सांस ली। इस महान देशभक्त नीलकंठ दास को हमारा शत शत नमन। हम मुंबई निवासी शहीद हरगोविंद लालजी का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई के बोरी बंदर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिलक दिवस समारोह में भाग लिया था। एक क्रांतिकारी जुलूस में पुलिस के लाठी चार्ज में वो बुरी तरह घायल हो गए और 5 अगस्त 1930 को उनकी मृत्यु हो गई।
आकाशवाणी समाचार की ओर से हर गोविंद लाल जी को शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ, कल मिलते हैं एक नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं ekadamaur@gmail.com। ये आकाशवाणी है। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 शुरू होगा। और अब बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के 8वें दिन आज से कुश्ती के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पुरुषों में बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और मोहित ग्रेवाल, वहीं महिलाओं में साक्षी मलिक, अंशु मलिक और दिव्या काकरान अपनी चुनौती पेश करेंगे। एथलेटिक्स में 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी क्वालिफाइंग में, जबकि देर रात हिमा दास महिलाओं की 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में उतरेंगी। महिला जंप में एनसी सोजन एडिपल्ली फाइनल में जगह बनाने के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगी। टेबल टेनिस में महिला और पुरुष सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। महिला डबल्स में प्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी और पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इससे पहले कल भारोत्तोलन में पुरुष हैवीवेट के फाइनल में पैरालिफ्टर सुधीर ने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों की पैरालिफ्टिंग में भारत के लिए ये पहला स्वर्ण पदक है। वहीं लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने भारत को रजत पदक दिलाया। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इस स्पर्धा में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी का ये पहला रजत पदक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। भारत सांस्कृतिक विविधताओं का देश है। कश्मीर को इसके सांस्कृतिक वैभव के कारण भारत माता के सिर का ताज कहा जाता है। बीच में हालात कुछ ऐसे बने कि इस ताज पर उदासी के बादल छा गए थे, लेकिन 3 साल पहले ऐसा कुछ हुआ जिसने मन में उम्मीदें जगा दी। आज 5 अगस्त है। आज से ठीक 3 साल पहले कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटा लिए गए थे। वर्षों के इंतजार के बाद मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कल मतदान। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर बने हिंदी धारावाहिक स्वराज का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से देश की प्राचीन संस्कृति और इतिहास पर गर्व करने का आह्वान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.5% की वृद्धि कर इसे 5.4% किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा, पिछले 8 वर्षों में रेलवे ने 3,50,000 से अधिक लोगों की भर्ती की।
जम्मू कश्मीर में सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।